नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, ईएनटी सर्जन हूँ, सेक्टर 31 गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मुझे साइनस है। साइनस है बोलना इज समथिंग लाइक सेइंग कि मुझे हाथ है या मुझे पैर है। साइनस हमारी बॉडी का अंग होता है। साइनस हमारे फेस की जो बोन्स है उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होती है। अगर आप इस मॉडल को देख सकते हैं तो ये हमारे फेस की हड्डियां हैं, उसके अंदर हवा के भरे हुए कैविटीज होती हैं। यहाँ पर ऊपर फ्रंटल साइनसेस बोलते हैं, फेस के ऊपर मैक्सिलरी साइनसेस बोलते हैं। आंखों के बीच में मल्टीपल एथमॉइड्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइड सेल्स होते हैं और दिमाग के पास एक कैवर्नस साइनस होता है। तो जिस तरह आपके नाक के मांस और स्किन बढ़ जाती है एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, उसी तरह साइनस के अंदर जो लाइनिंग है वो भी स्वेल अप कर सकती है, तो साइनस के सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर किसी को साइनस की बीमारी है तो उसके लक्षण क्या है? नाक बंद हो जाना, नाक से पानी आना, गाढ़ा पीला बलगम आना, नाक के पीछे से रेशा गिरना गले में जिसको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं, खराटे आना, ये भी कई बार साइनस के लक्षण है। फेशियल पेन, जैसे कभी यहाँ साइनस में दर्द होना, यहाँ फ्रंटल साइनसेस में दर्द होना, आंख के पीछे दर्द होना, और जनरलाइज माइल्जिया, वीकनेस, मुंह से बदबू आना, ये सभी साइनस के लक्षण हैं। कभी कभी अगर साइनस में इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आंखों की विजन भी डिस्टर्ब हो जाती है, आंख जो है कई बार प्रॉक्टोसिस बाहर भी निकल सकती है। तो साइनस में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कई बार तो सिर्फ एलर्जी होगी या इन्फेक्शन होगा तो उसका इलाज हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। कई बार साइनस में पॉलिप्स बन जाते हैं, थैलियां होती है छोटी छोटी जो नाक में अंदर लटकने लगती हैं, जिसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। इनका डायग्नोसिस ईएनटी सर्जन नाक के अंदर देखने से करते हैं और हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं ताकि हम लोग दूरबीन से नाक की अंदर जांच करते हैं, देखते हैं कि कोई साइनस में इन्फेक्शन तो नहीं है, पस तो नहीं निकल रहा, रेशा तो नहीं निकल रहा, कोई एक्स्ट्रा सेल या मास या ग्रोथ तो नहीं है। तो ये सभी चीजों से साइनस की बीमारी का पता चलता है। और साइनस की अच्छे से जांच करने के लिए एक सीटी स्कैन कराया जाता है साइनसेस का, जिससे पूरे साइनस सामने दिख जाते हैं कि उसकी में कोई सेल तो नहीं बना हुआ, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। साइनस में अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो कुछ लंबे समय के लिए चलते हैं, साथ में ही एंटीएलर्जिक दिए जाते हैं, नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि साइनस की इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, इन्फेक्शन है वो गल के अंदर चले जाए और साइनस आपके खुल जाए। किसी की कभी साइनस की सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ती है। अगर नेजल पॉलिप्स हैं जो आपके साइनस ओपनिंग ब्लॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली सर्जरी करना पड़ता है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है या गौ का बुलोसा है, अगर और कोई भी वजह है या कोई मास है तो फिर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जाती है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी दूरबीन से होती है, बाहर कोई कट स्टिच नहीं आता, नाक की ओपनिंग के थ्रू ही एंडोस्कोप के जरिए ऑपरेशन किया जाता है, समय में जो है नाक आपकी खुल जाती है। और कई बार पेशेंट को छींकों की समस्या आती है जो वो कहते हैं कि हमें साइनस की बीमारी है, छींके एलर्जी का लक्षण है। नाक की एलर्जी जो है बहुत पेशेंट्स को परेशान करती है, 4 में से 1 इंडियन को आज एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है। एलर्जिक राइनाइटिस 2 प्रकार की होती है, एलर्जी जो थोड़े समय के लिए हो, जो साल में 4 हफ्ते से कम हो उसको इंटरमीडिएट एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, और जो एलर्जी पूरा साल चलती रहती है या साल में 4 हफ्ते से ज्यादा होती है उसको परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जी के लक्षण होते हैं छींके आना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, नाक में खारिश होना और कई बार आंखों में भी जलन, नाखों में इचिंग और पानी निकलना। तो ये सभी जो है एलर्जी के लक्षण है। एलर्जी के लिए आपको ईएनटी डॉक्टर जो है टैबलेट और नेजल स्प्रे देंगे, जिससे जब तक आप दवाई लेते हैं आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर दवाई छोड़ने के बाद आपके सिम्टम बार बार लगातार आपको तंग करते हैं तो एक एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एलर्जी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट से करते हैं वो कुछ कम एक्यूरेट होता है, 60% एक्यूरेट होता है, और जो एलर्जी टेस्ट हम करते हैं आपकी स्किन पर बाजू पे दवाई लगा के टेस्ट किया जाता है, जिसको एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड कहते हैं। ये बहुत एक्यूरेट होता है, 98% एक्यूरेट होता है। ये हम कंप्लीट एलर्जी टेस्ट करते हैं
पचपन खाने की चीजों से टेस्ट करते हैं और पचपन हवा की चीजों से टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है अगर कोई एलर्जी होगी तो उसको हम पेशेंट को बता देते हैं कि कैसे अवॉइड करना है। तो एलर्जी के ट्रीटमेंट के तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, पता करना कि किस चीज से एलर्जी है, ये एलर्जी टेस्ट के जरिए होता है। दूसरा स्टेप होता है अवॉइडेंस, मतलब जो जो चीज अगर आपको एलर्जी में आता है, तो अगर खाने की चीज है आपको बता दें ये चीज नहीं खाना, अगर हवा की चीज है उसको कैसे अवॉइड करना वो भी बताते हैं। तीसरा स्टेप होता है इम्यूनोथेरेपी, अगर पहले से ज्यादा फायदा नहीं होता तो फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी के बाद आपके सिम्टम बार 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 लगातार आपको तंग करते हैं तो एक एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एलर्जी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट से करते हैं वो कुछ कम एक्यूरेट होता है, 60% एक्यूरेट होता है, और जो एलर्जी टेस्ट हम करते हैं आपकी स्किन पर बाजू पे दवाई लगा के टेस्ट किया जाता है, जिसको एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड कहते हैं, ये बहुत एक्यूरेट होता है, 98% एक्यूरेट होता है। ये हम कंप्लीट एलर्जी टेस्ट करते हैं, पचपन खाने की चीजों से टेस्ट करते हैं और पचपन हवा की चीजों से टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है अगर कोई एलर्जी होगी तो उसको हम पेशेंट को बता देते हैं कि कैसे अवॉइड करना है। तो एलर्जी के ट्रीटमेंट के तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, पता करना कि किस चीज से एलर्जी है, ये एलर्जी टेस्ट के जरिए होता है। दूसरा स्टेप होता है अवॉइडेंस, मतलब जो जो चीज अगर आपको एलर्जी में आता है, तो अगर खाने की चीज है आपको बता दें ये चीज नहीं खाना, अगर हवा की चीज है उसको कैसे अवॉइड करना वो भी बताते हैं। तीसरा स्टेप होता है इम्यूनोथेरेपी, अगर पहले से ज्यादा फायदा नहीं होता तो फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब एलर्जी के वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि एलर्जी आपकी जड़ से खत्म हो जाए। एलर्जी वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं, ओरल ड्रॉप्स जो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी होता है, और इंजेक्शन जो सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है, और मैं पिछले 21 साल से एलर्जी पे काम कर रही हूँ, और मेरे कई सेंटर हैं दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, चंडीगढ़ और उदयपुर में, जहाँ पे हम एलर्जीशियंस का एलर्जी टेस्ट करते हैं और एलर्जी का वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को एलर्जी की समस्या है आप जरूर इलाज करवाइए, एलर्जी के साथ आपको जीने की जरूरत नहीं है। साइनस की बीमारी भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है, तो आप अपने साइनसेस और एलर्जी का ध्यान रखें। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, स्टीम, ये सब चीजें करने से आपको काफी आराम रहेगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ रेगुलर एक्सरसाइज, डेली आप 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो आपकी बाकी सभी बीमारियां कम हो जाएंगी। जय।